भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व पार्षद और समाज सेवी निर्मल दोषी के आकस्मिक निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनके निधन से बांसवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान को अपूर्णीय क्षति हुई है। दोषी को एक समाज सेवी तथा एक नेता के तौर पर जाना जाता रहा है, परंतु वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक लेखक, एक पत्रकार, अभिनेता भी थे। अपने जीवन काल में वे स्कूली शिक्षा नूतन स्कूल से प्राप्त की एवं कॉलेज शिक्षा बांसवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय से प्राप्त की। शिक्षा के दौरान वे स्काउट के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। तत्पश्चात कुछ समय के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यवश कोटा में रहकर विद्यार्थियों के हितों के हेतु कार्य किया। तत्पश्चात बांसवाड़ा में भारत बुक डिपो खोलकर पुस्तक व स्टेशनरी का व्यापार शुरू किया। इस व्यापार के साथ साथ उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर विशिष्ट स्थान बनाया। उन्हें इस क्षेत्र में राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साथ ही दोषी की अध्यक्षता वाली वागर संस्थान को भी राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हीं वर्षों में दोषी राजनीति में भी सक्रिय रहे तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के तौर पर समाज सेवा की। समाज सेवा के अनेकों आयामों में वे लंबे समय तक जिला तीरंदाजी संघ के महासचिव पद पर रहे एवं इस दौरान बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर बांसवाड़ा को आधुनिक तीरंदाजी से परिचय करवाया। इस समय बांसवाड़ा के तीरंदाज विश्व में नाम रोशन कर रहे थे। यह समय स्वर्णिम काल था। राजनीतिक क्षेत्र में भी दोषी ने बांसवाड़ा नगर पालिका में पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर सेवाएं दी। दोषी ने पत्रकार के तौर पर कुछ समय बांसवाड़ा पत्रिका साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया तथा लेखक के तौर पर उन्होंने माही, प्रवाह इत्यादि समाचार पत्र में भी लेखन कार्य किया। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा में साक्षरता आंदोलन में प्रशासन की ओर से प्रकाशित पुस्तक जब गांव जाग उठा में तथा अन्य पुस्तकों में अपनी लेखनी का परिचय दिया। अभिनय के क्षेत्र में दोषी ने दूरदर्शन से प्रकाशित वागड़ी नाटक न्याय में तथा अलख आजादी में भी काम किया। दोषी व्यवहार कुशल एवं आत्मसंतोषी स्वभाव के धनी थे तथा हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले तथा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले थे। वे हमेशा इस प्रयत्न में रहते थे कि सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वागड़ वासियों को प्राप्त हो। उनके निधन से हुई अपूर्णीय क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती है। गोल्डी और गोफन टीवी की पूरी टीम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देवे। ओम शांति शांति शांति। निर्मल दोषी शुरू से संघर्षशील रहे। उन्होंने उपभोक्ता के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया, जन जागरण के क्षेत्र में भी, और शुरू से ये संघ के प्रचारक की भूमिका में भी रहे और जन कल्याण के सभी कार्यों में वो अग्रणी रहे और मोहन कॉलोनी से पार्षद भी रहे नगर परिषद में और वित्त समिति के अध्यक्ष रहते हुए भी कई परिवर्तन पालिका में भी किए इन्होंने। निर्मल जी दोषी मेरे अजीत मित्र थे। हम दोनों ने पिछले 40 वर्ष से राजनीति क्षेत्र में काम किया। निर्मल जी दोषी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में प्रचारक के रूप में भी काम किया। निर्मल जी दोषी सरल स्वभावी, मधुभाषी और मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। उनके असमय निधन पर मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके चरणों में स्थान दे दें। ओम शांति शांति शांति। श्री निर्मल दोषी के आकस्मिक निधन का समाचार मेरे लिए बहुत ही दुख भरा एवं गहरा आघात है। उसके निधन से हुई क्षति को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। श्री दोषी एक बहुत ही व्यवहार कुशल एवं हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले और ऊर्जावान व्यक्ति थे। उनका निधन केवल बांसवाड़ा की नहीं अपितु पूरे राजस्थान की क्षति है, क्योंकि श्री दोषी ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। श्री दोषी ने तीरंदाजी में भी और शिक्षा के क्षेत्र में और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए और वो हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। मैं इस घड़ी में उनके परिजनों को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति परिजनों को प्रदान करें।